अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान रिता संधू। प्रोग्राम मेरे मुताबिक के साथ, जिसमें हम हमेशा ही आपके साथ जो मौजूदा सूरत हाल होती है, डिफरेंट सोशल इश्यूज़, पॉलिटिकल इश्यूज़, इन पे हम डिफरेंट तज़ज़ियात लेके आते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे, ईद आ रही है, कोरोना वबा भी अपने पीक तक जा रही है, तीसरी लहर काफ़ी शदीद जो है उसके असरात और सारे के सारे नतीजे सामने आ रहे हैं। इसके हवाले से हुकूमत ने जो पॉलिसी वज़ा की है 8 मई से लेके 18 मई तक, जो 10 दिन का लॉकडाउन एक लगाया जाएगा, जिसमें के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नज़र आ रही है, स्मार्ट से कुछ ओवर स्मार्ट ही लॉकडाउन की कुछ पॉलिसीज़ हैं। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मियां एजाज साहब, नेशनल लेबर फेडरेशन के मरकजी सदर हैं, डिवीज़न फैसलाबाद के, उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम सर, क्या हाल है? तो सर आप इस बारे में क्या कहेंगे, जो इतना लॉकडाउन लगने जा रहा है जिसमें पॉलिसीज़ स्मार्ट की बजाय ओवर स्मार्ट नज़र आ रही हैं, क्या इसके असरात होंगे, क्या वजह? देखिए जी, इसमें कोई शक तो नहीं है कि कोरोना एक वबा है जो पूरी दुनिया के अंदर जिससे लोग मुतासर हो रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होती है कि क्या इस बीमारी से हमने किस तरह से निपटना है, हमने क्या इकदाम करने हैं जिससे हम अपने लोगों को बचा सकें। ये जो 8 दिन का लॉकडाउन है, लॉकडाउन किसी मसले का हल नहीं होता। असल में दुआ के साथ एहतियाती तदाबीर जो हैं ये इंतहाई ज़रूरी होती हैं, और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उन्होंने भी ये कहा, उनकी सुन्नत भी है कि आप हफाजती तदाबीर को अपनाएं, एहतियात करें। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को अपनी सारी तवज्जो जो है वो लोगों को संजीदगी के साथ, हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को, हमारी हुकूमत को, हमारे दीगर जो अदारे हैं वो अपनी अपनी सतह पे लोगों को इस बात पे मुतफिक करें कि जी बीमारी है, और आपने जो गवर्नमेंट ने, जो डॉक्टर्स ने SOPs बनाए हैं, जो हिफाजती इकदाम उन्होंने हमें बताए हैं, उसके ऊपर। लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ जब पिछले साल 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ, तो उसके नतीजे में आप देख लें कि कितनी बेरोज़गारी बढ़ी है और कितना जो है वो मुल्क के अंदर बदमनी के असरात भी फैले। तो मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि हम लॉकडाउन जो है वो लगाएं, ये किसी मसले का हल नहीं है। तो सर अभी SOPs भी के अमल जो है वो होना चाहिए। अभी भी जो पॉलिसी अपनाई गई है जिसमें हर चीज़ बंद कर दी गई है, एंटरटेनिंग जो जगह हैं वो बंद कर दी गई हैं, वहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई है, तो इससे रिलेटेड जो रोज़गार है ज़ाहिर सी बात है वो भी मुतासिर होंगे, जो एक डेली वेजिस पे ये काम कर रहे हैं, तो कि इन क्या असरात देखते हैं? देखिए, मैं ट्रांसपोर्ट की बात करता हूँ कि ट्रांसपोर्ट के अंदर जो कंडक्टर और ड्राइवर होते हैं वो डेली बेसिस हैं, उन्होंने शाम को 500, 700, 600 रुपया उनकी वो रोज़ाना की योमिया उनकी इनकम है। सही, अगर आप 8 दिन उनको लॉकडाउन करते हैं, बेरोज़गार कर देते हैं, तो फिर कहाँ जाएंगे? हाँ, अगर वाकई आप समझते हैं कि उन 8 दिन के अंदर आपकी जो कोरोना वबा है उसकी बहुत ज़्यादा शिद्दत आएगी, तो मैं समझता हूँ ठीक है आप ये कर दें, लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि स्टेट की ये भी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपनी आवाम को राशन दें, उनकी ज़रूरियात जो हैं वो देखें। ये ख़जाना जो है वो किसका है? इस कौम का है। तो क्या हर्ज है इसमें कि हमारे हुक्मरान इस पर तवज्जो दे दें? मैं कहता हूँ 2 महीने का लॉकडाउन कर दें, लेकिन एक मनसूबा बंदी करें कि इसी ख़जाने से जिस तरह बिजली के बिल हर मंथ लोगों के घरों में बिजली के बिल पहुँचाए जाते हैं, आप देख लें कि यहाँ जब आपके पोलियो के कतरे हैं वो हर घर में वो लगाए जा रहे हैं, आप सुई गैस का बिल देख लें वो कंटिन्यू घरों के अंदर अपनी मुकर्रर करदा तारीख के अंदर वो पहुंच जाता है, तो क्या जो राशन है वो घरों के अंदर नहीं जा सकता?
कि हमारे पास पुलिस है, हमारे पास अफवाज पाकिस्तान है जिसने हर मुश्किल घड़ी के अंदर जो है वो पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की, इस मुल्क की खिदमत की। वो लोग भी मौजूद हैं जो आज भी शायद इसके ऊपर एस ओ पीज के ऊपर अमल दरामद करने की वो साथ शामिल हैं इंतज़ामिया की। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको वाकई ही समझते हैं कि लॉकडाउन जो है वो इस बीमारी का हल है, तो फिर आप हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि फिर लोगों के घरों में वो राशन पहुँचाए। और फिर मैं इस बात पे और एक बात लाजमी कहना चाहूँगा कि जब गवर्नमेंट खुद ज़िमनी इंतखाबात करवा रही है तो क्या उस वक्त कोरोना नहीं है वहाँ पर? फिर इस तरह से जब आप दुकानें बंद करवाएंगे, जब ये सारी चीज़ें होंगी, तो फिर लोग बेरोज़गार होंगे, मुल्क के अंदर बदमनी होगी, मुल्क तो फिर खाना चंगे की तरफ चला जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये कोई मौसर इकदाम नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि वो एस ओ पीज़ के ऊपर अमल करवाएं, लोगों को एजुकेट करें, वो डॉक्टरों के ज़रिए से करवाएं, वो जो फलाही तंजीमें हैं वो उनके ज़रिए से करवाएं, वो अपोजिशन जमातों को अतमाद में लें, क्योंकि अपोजिशन जमातें भी इस मुल्क की जमातें हैं। हुकूमत का ये वक्त फ़र्ज़ मानता है कि आज वो सारी अपोजिशन जमातों को एक जगह पे बैठाए और दर्द दिल के साथ उनको कहें कि आज पाकिस्तान के ऊपर, आज हमारे मुल्क के अंदर एक बुरा वक़्त है, आज वबा जो है वो उससे हम सारे मुतासर हो रहे हैं, आओ हम मिल के जो है वो इस बीमारी का जो है वो हम इलाज करते हैं, इसके इकदाम करते हैं, अपने पार्टी के जो वर्कर हैं उनको समझाते हैं कि नहीं भी हमने एस ओ पीज़ के ऊपर अमल करना है, हमने मुख्तलिफ तंजीमों को कहे, फलाही अदारों को कहे। इस तरह जाके मैं समझता हूँ कि हम इस बीमारी पे काबू पा सकते हैं, क्योंकि इसका जो बुनियादी तसव्वुर हमने डॉक्टर से सुना है वो यही है कि आप सिर्फ हफाजत करें अपनी, एहतियात करें, तो एहतियात करेंगे तो ये बीमारी आपके करीब नहीं आएगी। जी बिल्कुल नासरीन, मियाँ जास हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने हमसे बात की, जो लॉकडाउन पॉलिसी आ रही है इसके हवाले से, उसकी वजूहात के बारे में, उसके इसरात के बारे में, और क्या इकदाम असल में होने चाहिए इस सारी सिचुएशन को कोप अप करने के लिए इसके बारे में। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक हासिल।